रविशंकर प्रसाद को आइए सीधे सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है और आप बेल के लिए प्रयास करिए। अब देखिए, 5 साल बाद वो इसी केस के क्वेश्चन के लिए आते हैं और यहां पर भी हाईकोर्ट ने 7/7/2022 को उनके क्वेश्चन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसमें भी झूठ बोला गया कि 164 में हमारा नाम नहीं आया है, जबकि मैंने हाईकोर्ट के पुराने आदेश की प्रति दिखाई आपको जिसमें लिखा हुआ है कि विक्टिम ने उनका नाम लिया है 164 में। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? 5 साल हो गए। ये मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 16/2/2017 का आदेश था, हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिक सिंह आपका अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट कर। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ते हैं, आप सरेंडर करिए। सरेंडर आपने क्यों नहीं किया, क्या मतलब है आपको? अब फिर देखिए, क्वेश्चन भी रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात, जो शर्मनाक है, निंदनीय है और एक स्कैंडल है, उसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? पहली बात, मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं? आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बीटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल, आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया, हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वेश्चन भी डिसमिस कर दिया, तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटेबल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक, रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वेश्चन एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये 12/8 को यह आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाई कोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए, कि जब पटना हाई कोर्ट के दो दो माननीय न्यायमूर्तियों ने 2017 में इनके एंटीसिपेटरी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए, और बाद में इनके क्वेश्चन एप्लीकेशन को सरेंडर रिजेक्ट कर दिया, और 17 में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि विक्टिम ने कहा है कि उनकी किडनैपिंग में कार्तिकेय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण, और ये केस बहुत गंभीर है अपहरण का, जिसमें आपको आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा होती है, तो आप सरेंडर नहीं करते हैं और बाद में आप एडीजे का एक लेकर के आदेश आते हैं। मैं पटना हाईकोर्ट से अपेक्षा करूंगा कि इस एडीजे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अनुशासनहीनता की, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की।
would expect the Honorable Patna High Court to take a serious notice of this glaring lapse of an additional district judge who has sought to sit in judgment over the orders of Patna High Court rejecting his anticipatory bail 5 years ago and also the quashing application about quashing of the charge of kidnapping. ये है स्थिति. नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए. चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें.